और गाइस झरनेश्वर महादेव मंदिर में आप सबको पता है लोग बॉटल लेकर जाते हैं ठंडाई के लिए, और देखो हम क्या लेकर जा रहे हैं, ये पूरा So, hey guys, it's Rhea Kaur, welcome back to another video of Punjabi Vlogs. And guys, आज अभी येलो कुर्ता देख के थोड़ा समझ गए होंगे, guys, आज है महाशिवरात्रि. एंड गाइज आज अपन चलने वाले हैं भोलेनाथ जी के दर्शन करने के लिए झरनेश्वर महादेव मंदिर पर ही. आपको लास्ट ईयर भी वहीं के ही दर्शन कराए थे, बट आज भी गाइज हम वहीं चलने वाले हैं. एंड गाइज बहुत ज़्यादा मजा आएगा. एंड गाइज सीरियसली ऐसे कुछ टाइम में एथनिक वेयर करने का अपना ही अलग मजा है. जब मतलब ऐसा कुछ हो आप भी एथनिक ही वेयर करा करो, मतलब ऐसे कुर्ता पजामा, ऐसे अपने पास पजामा नहीं था, सो आई वेयर्ड अ ब्लैक जींस विद दिस. बट स्टिल गाइज आई थिंक बहुत ज़्यादा अच्छा लुक लग रहा है, बिकॉज येल्लो कुर्ता मतलब येल्लो कलर ऑलरेडी डेडिकेटेड होता है हमारे भोलेनाथ जी को. बस घर से निकलने वाले हैं, भोलेनाथ जी के दर्शन कराते हैं एंड देखते हैं दिन भर का क्या प्लान रहता है, कैसा क्या क्या होता है, जो भी होता है सारी चीज़ दिखाएंगे. यहाँ से निकलते हैं पहले एंड आपको मिलते हैं आगे. सो गाइज अपन ने ऑलरेडी ब्लैक कलर की मूंछड़ियाँ भी वेयर कर लिया, बाइक ऑलरेडी कोल्ड स्टार्ट हो चुकी है, मम्मी का पर्स रेडी. एंड अब यहाँ से निकलने वाले हैं, टाइम ऑलरेडी 9:19 हो गई है. पेट्रोल भी फिल कराना पड़ेगा, पेट्रोल कम है गाड़ी में, चलो भाई. देन हमने फिल कराया गाड़ी में पेट्रोल और हम निकल पड़े आगे की तरफ. ऊपर तक गाड़ियां ही गाड़ियां, हाँ हाँ जी. सो गाइस यू कैन सी हमने यहाँ पर ये ले लिया ऊपर ठंडाई का, ठंडाई को ऊपर लेके चलेंगे, ये घर ले जाएंगे. एंड गाइस सेवा करने का मौका वैसे बहुत कम मिलता है, बट वी आर लकी हमें सेवा करने का मौका मिला. एंड ये ले जाकर अपन ऊपर देंगे, इसमें वही जो ठंडाई है जो सेवा में बचती है वही है इसमें. एंड देयर आर मेनी थिंग्स यू कैन परचेज, बच्चों के लिए ज़्यादा है, बड़ों के लिए थोड़ी कम है. यहाँ पर जब लोग आते हैं ठंडाई के लिए, लोग हर कोई अपनी बॉटल बॉटल लेकर आता है, एक ना एक बॉटल तो लेकर ही आता है. और देखो हम क्या लेकर आए हैं, ये भर के लेकर चलेंगे. समझ अपन गेट पर पहुंच चुके हैं एंड जो ठंडाई का प्रसाद उन्होंने नीचे से दिया था ऊपर ले आने के लिए वो भी अपने पास है, ऊपर पहुंच चुके हैं. लोग ने सीधा हाथ पूरा लाल हो चुका है, बट स्टिल ओके. एंड अब जूते चप्पल नहीं खोल रहा था, जय बोले. जिंदगी जिंदाबाद, जिंदगी जिंदाबाद, गंगा घर आए. अब हमारे पीछे भीड़ देख सकते हो, बहुत ज्यादा लंबी लाइनें चल रही है, बट हम आगे आ चुके हैं, थोड़ी सी आराम बाकी है, देन हम ऊपर पहुंच जाएंगे. यहाँ के बहुत ज़्यादा प्यारे दर्शन हो चुके हैं, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ है. सो गाइस दर्शन अपने ऑलरेडी डन हो चुके हैं और बस नीचे उतर रहे हैं, अभी भी भीड़ नीचे बहुत ज़्यादा है. जब अपने ऊपर के दर्शन पूरे हो चुके हैं और बस नीचे उतर रहे हैं एंड बहुत ज़्यादा प्यारे दर्शन हो गए थे अपने, अपन अपनी जूतों के सब पहन लिए मतलब मोच लिया और अब नीचे उतरते हैं. नहीं तो मेरी गाड़ी नहीं मिल रही थी, मिल गई. चलो भाई यहाँ के दर्शन अपने पूरे कंटन हो चुके हैं, अब यहाँ से निकलते हैं घर की तरफ. एंड देन गए झरनेश्वर महादेव मंदिर के बाद हम पहुँचे वैशाली वाले मंदिर में भोलेनाथ जी के दर्शन करने के लिए. तो
अभी अपन आ गए हैं अपने थर्ड मंदिर के दर्शन करने के लिए। एज यू कैन सी नाइट हो गई है एंड टाइम 8:30 हो गई है। पहले मैं चाहता था कि ये वाली वीडियो मैं शाम तक अपलोड कर दूं, बट ये आपको वीडियो आई थिंक कल ही देखने को मिलेगी, बिकॉज ये वाला जो मंदिर के दर्शन थे ये करने बाकी रह गए थे, तो इस मंदिर के दर्शन कराते हैं। एंड गाइस जनेश्वर महादेव मंदिर में हम मिठाई लेकर नहीं गए थे, सो यहाँ पर हमने भोलेनाथ जी को मिठाई का भोग भी लगा दिया। एंड यार अगर आपने महाशिवरात्रि पर भांग का मजा ना लिया तो जी फिर क्या ही करा। सो उसके बाद हमने पी बहुत सारी भांग। एंड गाइस एज यू ऑल नो शिवरात्रि पे अपन जा सुबह भोलेनाथ जी के गए थे, वहाँ पर भांग अवेलेबल नहीं थी, वहाँ पे ठंडाई थी, ठंडाई के लोग भांग समझ के पी जाते हैं, बट प्रॉपर भांग का इंतजाम कर लिया। एज यू कैन सी बहुत सारी भांग अवेलेबल है, धीरे धीरे करके पीते हैं, जितनी कैपेसिटी होगी उतनी ही एंड भांग पीते हैं। इसी चीज़ के लिए गाइज मैंने ये वीडियो मतलब आज अपलोड नहीं करी, जस्ट बिकॉज ताकि मैं भांग का ऐसे सीन दिखा सकें कि भाई मतलब जहाँ पर मैं सुबह से ट्राई कर रहा था कि कहीं से भांग अवेलेबल हो जाए, बट नहीं थी, सो फाइनली अवेलेबल हो गई है। एंड इस मंदिर में जाकर अपन को भांग मिली है, बहुत ज़्यादा प्यारे दर्शन यहाँ के भी हो चुके हैं। अब भांग इन्जॉय करते हैं एंड घर जाके अपन ब्लॉग को एंड करेंगे, पहले भांग पी लेते हैं। ठंडाई ठंडाई नहीं है, ये प्रॉपर भांग है, मतलब इसमें प्रॉपर अच्छी क्वांटिटी में भांग मिली हुई है। एंड गाइज मंदिर के दर्शन के बाद हम आ गए वापस घर पर एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, शेयर इफ यू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल अगर आपने नहीं कराया तो अभी तक। एंड इन द लास्ट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।